यूपी के कानपुर से बड़ी खबर है, जहां सपा नेता और स्ट्रीट सीटर का असलाह प्रदर्शन का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपा नेता पिंटू ठाकुर, स्ट्रीट सीटर ज्ञानू वाजपेयी, नेता पुती चंदेल समेत अन्य लोगों का असलाह लिए डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। फिल्मी गीत की धुन पर सभी थिरकते हुए नजर आए हैं, साथ ही हाथ में असलाहों का भी प्रदर्शन करते हुए दिखे गए। जानकारी के अनुसार इनमें से एक पुती चंदेल है, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले बीजेपी की सदस्यता ली थी। वहीं पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए अफसर को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। वीडियो में सपा नेता पिंटू ठाकुर के अलावा कलेक्टरगंज थाने का हिस्ट्री सीटर ज्ञानू वाजपेयी, पुती चंदेल समेत 5 लोग नजर आए हैं। वीडियो कब और कहां की है, फिलहाल पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। जानकारी जुटाकर वायरल वीडियो का पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लिया है, साथ ही कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एक वीडियो संज्ञान में आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं जो एक रूम में वेपन्स लेकर के डांस कर रहे हैं। प्रेमा फेसी जब ये तहकीकात की गई तो ये एक अभियुक्त है जो कलेक्टरगंज थाने का है, जिस पर लगभग 30 से ज़्यादा मुकदमे हैं, और ये हिस्ट्री सीटर थाना कलेक्टरगंज का है। ये उस वीडियो में है। ये वीडियो 5 से 6 महीने पुरानी बताई जा रही, सितंबर से अक्टूबर के बीच में मेरे द्वारा ACP कलेक्टरगंज और इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज को निर्देशित किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। वेपन्स के बारे में हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और इसका थाना कलेक्टरगंज पे मुकदमा लिखा जा रहा है। शीघ्र ही इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस वीडियो की भी जांच की जाएगी कि वीडियो कहाँ पे, किस जगह पे बनी है और इसके बैकग्राउंड में कौन लोग हैं।